हेलो हेलो देखिए जितने मेरे साथ देखिए कविंदर गुप्ता जी यहाँ पहुँचे हैं, अब आ रहे हैं, आप इनसे बात करेंगे। चलिए थोड़ा आगे से बात सुनो, बात प्लीज बैठिए, आप बात सुनिए। भाई बोला हूँ ना, इसको क्या हुआ, अरे साथ में भाई बोलूँ, अब मैं भाई आज की इस हड़ताल में बैठे हुए मेरे सभी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आपका एक डेपुटेशन हम सबसे मिला है, हम उसके लिए बैठे थे। नंबर एक, आपकी जो डिमांड्स हैं वो जेन्युइन है कि आपको मिनिमम वेजेस चाहिए, हम भी आपके साथ उस बात के लिए खड़े हैं। और अगर बाकी स्टेट्स में इस प्रकार की सारी व्यवस्था है तो जल्द ही हम अपने सेंट्रल लीडरशिप के साथ भी बात करेंगे कि लगातार हमारे लोगों में जो रोष बढ़ता जा रहा है। और आज ये भी सच है कि आप ये जो डिपार्टमेंट्स आपकी वजह से चल रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जल्द अभी मैं सभी की जो दिक्कतें हैं, सभी की जो व्यथा है, सभी का जो दुख है, और वाकई में आज के हालात में 6,250 के रुपए के साथ कुछ नहीं बनता है जिस प्रकार से आप लोग काम करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको ये कहने आया हूं, मैंने डिटेल में एक एक चीज को समझा है और अपने साथ कागज में लिखा भी है। जल्द ही इस चीज को लेकर के केंद्र की अपनी लीडरशिप के साथ, अगर बाकी स्टेटों में ये हो सकता है तो यहां भी धारा 370 टूटने के बाद ये चीजें होने चाहिए। जो बताया गया कितनी फाइलें हमारी लगी हैं, ठीक है सरकारों को दिक्कतें रहती है, फाइनेंस की दिक्कतें रहती हैं। नंबर एक तो ये जो पे है वो टाइमली मिलनी चाहिए, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि काम के आधार पर उसके पैसे मिलते हैं। नंबर दो, फेज मैनर में चाहे करें, जो मुझे बताया गया कि 1996 से लेकर के 1994 से लेकर के 2013 तक जो भर्ती के लोग हैं वही सब में है और सभी डिपार्टमेंट्स में है। 15 तक ये चलो एक आध साल का फर्क हो सकता है मुझे उसके बारे में, और उस इस सारे ये 20-22 साल में किस प्रकार से कंसीडर करें, हम बात करके आपको बताएंगे भी। बाकी सरकार के अपने सामने अपनी मांग रखना अच्छी बात है और रखनी भी चाहिए। आपकी डिमांड, मैं द्वारा ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो डिमांड्स है वो जेन्युइन है, हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। हमारे भी नेता यहां पर आकर के यहां की जो सरकार है, क्योंकि पैसा सेंटर से आता है, और इस चीज को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। बाकी आपने किसी ने एक आध कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, मेरा आपसे प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो जितना भी विधायक है इनकी सैलरी महीने महीने कैसे आती है? भाई मैं भी तो यही कह रहा हूं कि आपकी आनी चाहिए। आपकी कैसे आती है सर? विधायकों की सैलरी कैसे आती है? मिनिस्टर की सैलरी कैसे आती है?
मैं कह रहा हूँ आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ आपकी कैसे आती है, आपके हमारी सैलरी क्यों नहीं आ रही सर? मैं आपकी मांग के साथ खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ आनी चाहिए। देखो मैं सैलरी रिलीज नहीं करता हूँ, नंबर एक, नंबर एक इस बात की। देखो मैं पार्टी अध्यक्ष नहीं हूँ, हाँ बिल्कुल नुमाइंदा हूँ, तभी आपकी बात सुनने आया। वेलकम करते हैं, मैं आपसे मेरा प्रश्न है कि जब डेली वेजर की बारी आती है तो हमारे जितने भी कंसर्न ऑफिसर वो कहते हैं पैसा नहीं है। होना चाहिए, आप होना चाहिए, मैं बिल्कुल ये इसके लिए बात करूंगा कि हमें चाहिए रोटी। रविंदर जी, 70 महीने की सैलरी पेंडिंग है इनकी अभी। देखिए रविंदर जी, एक आखिरी सवाल आपसे सवाल है कि लगातार जो है हर डिपार्टमेंट को आश्वासन दिया जाता है, देखिए मीडिया बैठे। देखिए सर, होम मिनिस्टर साहब जब जा रहे थे उन्होंने, देखिए मुझे इनको जवाब देने दो, इनसे बात करने दो ना, जिनके साथ मैं बात करने आया हूँ। मैं आपको बता दूंगा जो बोल रहा हूँ, आप उसको नोट करते रहिए, ठीक है ना। देखिए मैं वादा नहीं करता किसी के साथ, वादे झूठे हो जाते हैं। मैं आपके लिए कोशिश करूंगा, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोशिश करेंगे और कोशिश करके आपकी मांगों की हल करने की कोशिश पूरी की जाएगी। वादे झूठे होते हैं, वादे नहीं करता सर, मैं एक छोटा सा बात जी, इनकी जो सैलरी है सबसे मेन इशू, क्योंकि दो दो महीने से नहीं मिली है, बस उसका आप कुछ ना कुछ इनके सामने कर लीजिए, क्योंकि इनके बच्चे देखिए मैं अखबार के माध्यम से भी और अब मीडिया के माध्यम से भी ये कह रहा हूँ कि सरकार इस चीज को समझे। ये जो हमारे लोग डिपार्टमेंट चला रहे हैं उनकी टाइमली सैलरी आनी चाहिए। जो 7,000-6,000 पर ये घर कैसे चलाते होंगे, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, जो कि यहाँ ऊपर कुर्सियों पर बैठे हैं। अगर इतनी फाइलें हैं उनको आगे पहुंचाइए, आगे की बात हम करेंगे। सर एक सवाल, यहाँ पे एमजी नरेगा के एडमिन भी ये पीछे बैठे हुए हैं, तो उनका भी सैलरी। देखिए मैं सभी डिपार्टमेंट्स के हैं, यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के लोगों के बारे में मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर बोल दीजिए। देखिए 370 का 300 बोला जाता है, लेकिन 370 के टूटने का डेली वेजेस को अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। देखिए जो आपकी 75 रुपए से मैम आपका घर का 9,000 रुपए से खर्चा चल सकता है, उसके लिए लड़ रहा हूँ, उसके लिए मैं बोलता हूँ, बोलता बोलता है। आज तो फिर भी आपने सर आपने अच्छा किया, लेकिन लोगों का दिन का मसला कैसे हाल होगा, वादा नहीं करना। मैं बात करके की कह रहा, यहाँ पर मैं तो ना तो सरकार में बैठा हूँ, यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है डबल इंजन सरकार आप ही की जो है केंद्र में भी। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का राज है, उस चीज को मांगे माननी जाए, इस प्रकार से हमारी कोशिश रहे। यहाँ पर जो है इस वक्त कविंदर गुप्ता जी यहाँ पहुंचे हैं और लगातार इनसे बात कर रहे थे, और इन्होंने ये भी कहा कि कोशिश की जाएगी, कोशिश जो है वो की जाएगी कहीं ना कहीं। दीपक जी सारी बीजेपी जो निर्मल सिंह और भी आई, उनमें काफी सारे युद्धवीर सेठी और भी आई, सुना दिया सर 2014 विच जिले बीजेपी सत्ता विच नहीं है, तो साडे के धरने च उन्होंने आख्या तू सानू अगर मौका दें दियो जम्मू कश्मीर से साड़ी सरकार आंदी है प्रायोरिटी च तुहाड़ा मसला हल करगे। तो सर 2014 के बाद रिजल्ट तुहाड़े सारे के सामने है, बीजेपी इतिहास बनया, पहली बार 25 सीटा निकलिया, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर विच भुली गली है डेली वेजरी। इधर तक प्रधानमंत्री मोदी जी जम्मू च आए उन्हें भी तो दसिया गया होगा कि इशू जम्मू कश्मीर का ही क्या नहीं सर, भाषण नहीं, एक छोटा सा सर एक सवाल है, सारे लोगों का सवाल है सर, सारे वर्करों का सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू में आइए आख्या मैडम, उन्होंने जम्मू में आकर बोला, ललकार रैली में बोला, अगर हमारी सरकार बनेगी 61,000 लोगों को हम प्रायोरिटी पे परमानेंट करेंगे। तो अगर सारे लोग यकीन नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर ये मसला दसिया गया है कंडोई हल भी करवाना है, ये यकीन नहीं रहा था, बुलाया गली असे वोट पाए थे सर, ये कोई सवाल नहीं जवाब मैनीफेस्टो सरकार
चाहता हूं आपकी भर्ती आज नहीं हुई है। नंबर मेरी बात का बाद में मेरे से जो जिससे सवाल करना है बात करनी वो कर लेना, अगर बहस करनी है तो बहस करते रहना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर एक, ये पुरानी गलत सरकारों की पॉलिसी के कारण से आप आज 30 35 40 साल से सड़कों पर बैठे हैं, नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी आपके साथ ये जो मिनिमम थोड़ा वेजेस बढ़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने ही कंसिडर किया है, उसके बाद ये चीजें हुई है। दूसरा, कोई गालियां खाने के बाद आपको एक्सपेक्टेशन भारतीय जनता पार्टी से है, तभी मैं अपने नेताओं को भी कहता हूं ये हमारे दफ्तर के बाहर नारे लगा इसलिए लगाने आते हैं क्योंकि इन्हें एक्सपेक्टेशन हमसे है और करेंगे भी हम ही। आज आप कांग्रेस के दफ्तर के बाहर नहीं जाते, पीडीपी के दफ्तर के बाहर नहीं जाते। मैं जब यहां पर आया था 10 मिनट में मैंने आपको बुला लिया, आपसे बात करने के लिए बुलाया, पूरी बात समझी है। और ये भी बताना चाहता हूं हम कुछ करना चाहते हैं। आप चार नारे अभी भी कविंदर गुप्ता मुर्दाबाद लगो, धर्मिंदर राणा मुर्दाबाद, बीजेपी चोर करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें, हम फिर भी आपके साथ खड़े हैं। ये हमारी शख्सियत है, हम इस प्रकार की सोचते हैं। अगर अभी हम भी तभी सुनने आए हैं, दो मिनट रुक जाए यार, बीजेपी बरकरार बताइए किसे खड़ोते रहना। मैं उम्मीद भी तुम्हें बोला जनाब, उम्मीद
आपका रोष जेन्युइन है। नंबर एक, ये कोई आज का मसला नहीं है, फाइनेंस का मामला है। इसको जल्द से कम मिनिमम वेजेस एक्ट ये यहाँ पर लागू हो, इसके लिए हमारी कोशिश जारी है और हम करेंगे भी। और अगर अगर बहस में पड़ेंगे दो चीजें, बातें आप करेंगे दो, मैं करूंगा। चोर सरकार असें बीजेपी की तां मदद की, उन्हें चोरें ही नहीं खाया। लेकिन सर तुंदे कोल उम्मीदां, फिर तुंदे कोल भी सारा उआ हाल हुआ था, ते फिर असीं कुत्थे जाणा? जाणा सर इ'यां करो, बीजेपी दे वर्कर तुसीं इ'यां करो, असीं जहर दा खाई ले, बीजेपी दा झंडा चुक्के खा के खाई ले। फिर देखिए, यहाँ कविंदर गुप्ता जी आए थे और आश्वासन देकर चले गए। पुरुषोत्तम जी हमारे साथ हैं यहाँ पर। पुरुषोत्तम जी पहले तो चाहिए और उनको बात करिए उनके साथ, जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो बाहर स्टेटों में मिल रहा है वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। बार बार कविंदर जी को पूछा कि मिनिमम वेजेस एक्ट होम मिनिस्टर साहब बोल के गए थे, लेकिन उन्होंने उस चीज पर कोई जवाब नहीं दिया। बिल हमें मजबूर बनवाया उनसे, हमने बोला कि वो मिनिमम वेजेस एक्ट दो, क्या मिल रहा हमें? हमें 75 रुपए जो आपने बढ़ाया वो आपने नहीं बढ़ाया, वो आपने हमें 2 साल लेट किया है, वो इलेक्शन कमिश्नर ने बढ़ाया, फाइनेंस कमिश्नर ने बढ़ाया, आपने नहीं बढ़ाया। लेकिन जो प्रजा में आओ आप मिनिमम वेजेस जो है हमारा फौरी तौर पर हमें बाल करो, फिर मानेंगे बीजेपी को, फिर हम बढ़ चढ़ कर बीजेपी के नारे लगाएंगे। वरना बीजेपी हमारे लिए नाकाम है, बीजेपी फेल है, बीजेपी को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आश्वासन देकर तो चले गए और ये कह रहे हैं कि ये पुरानी सरकारों का लेन देन है, पिछले 8 साल से ये पावर में है और केंद्र में इनकी सरकार, अगर ये चाहते तो कर सकते थे कुछ आप? ये पुरानी सरकारों को ना हम फिर निर्णय ले रहे हैं, अभी हम यूनाइटेड फ्रंट के जितने भी लीडर बैठेंगे उसके बाद फिर आएंगे, फिर हम इसके धरना लगाएंगे, इधर जाने नहीं देंगे इनको, ताकि हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट इन लोगों ने दबाया, इन लोगों ने क्यों नहीं दिया हमें? आपको किस चीज का पता ही नहीं है? मैंने प्रिय सेठी जी ने बोला कि इनको मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला? प्रिय सेठी जी ये भी बोल रही थी पीछे से कि 75 रुपए बढ़ाए हैं, देखो 130 करोड़ की रैली करवा दी लेकिन आपके 75 रुपए बढ़े। हमने बोला 75 रुपए बढ़ने से 9000 से पेड़ बढ़ता है, कैजुअल लेबर बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ, बेटी स्कूलों से बाहर निकले जा रही हैं, बाप को दवाई देनी है, खुद की दवाई खानी है, राशन डाला 9000 से होता है, तब वो बोला जे बहुत जुल्म हो रहा है, आपका मिनियन बेजिस एक्ट तो बनता, जे हम दिला कर रहेंगे, जे मेरा वादा है हम दिलाएंगे। हमारे साथ ये बात हुई है तभी मैंने बोला रे हमारे साथ नहीं करना, उधर बैठी है जनता, मुलाजिम बैठे हैं, उनके साथ बात करो कि क्या बात है क्या नहीं है। देखिए एक तरफ जनता दरबार लगाकर ये लोग अंदर बैठे हैं और बाहर ऑल कैजुअल लेबर जो वर्कर्स है वो प्रदर्शन कर रहे थे, लगभग पिछले 2-3 घंटे से ये प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कविंदर गुप्ता जी अभी बाहर आए थे और इनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिलासा देकर चले गए। दिलासा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बोला मैं वादा नहीं करूंगा क्योंकि वादा टूट जाता है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपका जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, देखिए होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए और आकर यहाँ से कहीं ना कहीं घोषणा कर कर गए कि मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर पर लागू होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूटी है, यूटी का बनने के बाद भी मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ पर लागू नहीं है। होम मिनिस्टर साहब आए, रैली कर कर चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसके ऑफिस के बाहर आए दिन जो है प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। कविंदर गुप्ता जी आए, आश्वासन देकर चले गए, अपनी राय इसमें जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।